नर सिंह अवतार गोविंद राधे हरि सर्वव्यापक सिद्धि करा दे। भगवान सर्वव्यापक है, यह बात कम से कम हमारे भारत में तो गधे की बुद्धि वाले भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, मानते नहीं। ये बात अलग है। अगर किसी से पूछो भगवान सर्वव्यापक है, जानते हो? हाँ हाँ जानते हैं। गांव के गवार भी जानते, गांव के गाने जो बने हैं गवारी भाषा में उसमें भी बार बार आता है भगवान सर्वव्यापक है। लेकिन आम तौर से लोग ये समझते हैं कि निराकार भगवान सर्वव्यापक होंगे, साकार भगवान तो एक जगह होंगे, जहां कहीं होंगे, वृंदावन में हो, बद्रिकाश्रम में हो। जैसे हम लोग देखते हैं ना किसी मनुष्य को, तो वह एक जगह है, दूसरी जगह नहीं है। एक आदमी हाथ पैर आंख मुंह नाक कान वाला सर्वव्यापक कैसे होगा? अर्थात सगुण साकार भगवान तो कहीं दिखता नहीं कि हम उसको सर्वव्यापक मान ले। तो यही होगा कि निराकार भगवान, यानी भगवान के दो रूप है ना, एक निराकार एक साकार, तो निराकार भगवान सर्वव्यापक होंगे। और जब वो साकार हो गए तो अब सर्वव्यापक नहीं रह गए। दूध से मक्खन निकल आया, घी अलग हो गया, तिल से तेल अलग हो गया, तो अब वो तिल में सर्वव्यापक नहीं रह गया, वो तो निकल आए। तो ये तर्क, ये सेंस साधारण बुद्धि में सबके है कि वो निराकार भगवान सर्वव्यापक होगा। और सगुण साकार की भक्ति करने वाले ये डिक्लेयर करते हैं कि हमारा राम हमारा कृष्ण सर्वव्यापक है। ये साकार हाथ पैर नाक कान मुंह वाला, तो वो निराकार ब्रह्म के जो फॉलोअर्स है वो कहते हैं भाई हमें नहीं मानते। और अगर वो होगा, साकार बन सकता है, ठीक है, दो लोक में होगा अपने, ये गंदे संसार में वो भला कहां होगा, क्यों आएगा? कोई आदमी भी नहीं चाहता गंदगी में बैठना, खड़े होना। और भला भगवान क्यों खड़ा हो, क्यों बैठे गंदगी में? और फिर गंदगी की भी पराकाष्ठा, राक्षस का घर, हिरण्यकशिपु का घर, इतना बड़ा राक्षस
जिसके डर से इंद्रादिक भागते थे, अगर कोई कह दे इंद्र से कि आ रहा है हिरण्यकश्यपु, तो अपने अपने सिंहासन और सब लोग छोड़ के भाग के छुप जा डर के मारे। उसके भाई को भगवान ने मारा था हिरण्याक्ष को, वो उसपे आग जल रही थी, हमारे भाई को इसने मारा है, इसको हम मार के छोड़ेंगे। उसने घोर तप किया, इतना बड़ा तप किया कि रिकॉर्ड तोड़ दिया तपस्वियों का, एक अंगूठे के बल पर ऊपर हाथ करके बिना खाए पिए। ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी आए, हाँ बेटा क्या चाहते हो? हमने कहा हम जो चाहते हैं वो दोगे ना? हाँ देंगे। तो उसने लंबी लिस्ट सुना दी, न दिन में मरे न रात में मरे, दिन रात भी तो होते, न जमीन में मरे न आसमान में मरे, न आदमी से मरे न पशु से मरे, न किसी हथियार से मरे, लेकिन ये नहीं बोल सका कि हम अमर हो जाए। वो अंदर बैठे हैं जो सर्वव्यापक, वो घुमा दिए चाबी के सब बोले जा, ये ना बोलना कि मैं अमर हो जाऊं, नहीं तो फिर तो नृसिंह भगवान भी नहीं मार सकते अगर ये वरदान ले लेता तो। लेकिन वो बेवकूफ इतनी लंबी लिस्ट तो भूल गया, तो ये नहीं बोल सका कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा ने कहा दिया, यद्यपि ब्रह्मा को देना नहीं चाहिए था, नृसिंह भगवान जब आए थे और जब जाने लगे तो ब्रह्मा खड़ा था हाथ जोड़े, तो डांटा उसको, नैवं वरो सुराणां ते प्रदेय पद्म संभव, कमल से पैदा होने वाले ब्रह्मा ऐसा वर राक्षसों को नहीं देना चाहिए, अच्छे आदमियों को तो ठीक है, किसी भी चीज का बुरा आदमी दुरुपयोग करता है। देखो रिवॉल्वर का लाइसेंस गवर्नमेंट देती है, बहुत सोच विचार के एक सब इंस्पेक्टर से लेकर और आईजी तक बड़ी लिखा पढ़ी होती है, इंक्वायरी होती है, क्योंकि अगर गलत आदमी ने ले लिया लाइसेंस तो वो मर्डर करता फिरेगा, तो ये गवर्नमेंट ने बड़ा गलत काम किया, गलत आदमी को दे दिया। तो ऐसे वरदान अब भविष्य में नहीं देना? ब्रह्मा ने कहा यस सर, गलती हो गई। तो भगवान सर्वव्यापक है, गोलोक में भी है, सबके हृदय में भी है, वही राम वही कृष्ण, निराकार नहीं, उनके शरीर भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, हमारे आइडियाज नोट करते हैं, सर्वज्ञ हो करके हमारे अनंत जन्मों के कर्मों का फल देते हैं। तो वो अंदर भी बैठे हैं, वही श्री कृष्ण सर्वव्यापक भी है, निराकार ब्रह्म के सबसे बड़े प्रचारक हमारे इस युग में शंकराचार्य हुए, उन्होंने भी माना है,
यद्यपि साकारोयम् तथैक देशी विभाति यदुनाथ सर्वगतः सर्वात्मा तथाप्ययम् सच्चिदानन्द। लोगों को दिखाई पड़ते हैं एक जगह श्री कृष्ण नंद के महल में है और जगह नहीं है, खूब देखा है। शंकराचार्य कहते नहीं गधो, और तुम्हारी आंख से नहीं दिखाई पड़ेंगे, वो तो सर्वव्यापक है, सर्वगतः, और वही सबके अंदर भी बैठे हैं, सर्वात्मा जो आपको शक्ति दे रहे हैं, कर्म फल दे रहे हैं, वर्तमान कर्म नोट कर रहे हैं। ये जो अलग अलग परिभाषा है भगवान की, इसमें एक अंदर बैठे हैं, तो ये बात तो लोगों ने मान ली कि हाँ ठीक है, हृदय में है। हृदय तो सूक्ष्म होता है, हाँ ठीक है, तो भगवान अंदर बैठे हैं गंदे अंतःकरण में आप युक्त, और सर्वव्यापक जो मेटीरियल मामले में है, पृथ्वी में, जल में, वायु में, इसमें ज्यादा लोगों को डाउट है कि जहां शुद्ध जगह होगी, जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, यहां कोई अपवित्रता नहीं होती, जूता पहन के भी नहीं जाते। वृंदावन में तो कई ऐसे मंदिर है कि मोजा पहन के भी नहीं जा सकते। हाँ, ये अछूत है, ये नहीं जा सकता, तो यहां भगवान होगा, ठीक है ये तो। लेकिन हिरण्यकश्यपु सरीका तपस्वी विद्वान कहता है, कहे अपने बेटे से, तेरा भगवान तू कहता है मेरा राम सर्वव्यापक है, क्या मेरे महल में है? तो प्रह्लाद मुस्कुराते हुए कहते हाँ पिताजी है करता है। तो राक्षस के यहां आएगा, फिर मैं उसका दुश्मन हूं। दुश्मन के घर तो संसार में कोई नहीं जाता, सब डरते हैं कहीं वो मार दे। अरे नहीं पिताजी, वो किसी से नहीं डरता, जमराज तक उससे डरता है। लेकिन हर बात का खंडन करता रहा। जब गुस्सा पराकाष्ठा का हो गया हिरण्यकश्यपु का, आउट ऑफ कंट्रोल, पागल सा हो गया, तो उसने कहा बता तेरा हे राम इस खंभे में है, खंभे के अंदर घुसा है? हाँ है पिताजी, उसने खंभे में, अपने ही महल के खंभे में गदा मारी। इतनी ताकत थी उसमें कि वो पत्थर का खंभा टूट गया। और भगवान कहते हैं मैं सब जगह रहता हूं रे, तेरे हृदय में भी रहता हूं 24 घंटे। ये तो बाहर है तेरा महल। नृसिंह भगवान की आज जयंती है, बोलिए नृसिंह भगवान की जय।